हेलो एवरीवन, आई एम स्वास्तिक एंड यू आर वाचिंग रीडिफाइन स्वास्तिक। तो भाई आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही होगी मेरी, बिकॉज कल और परसों इवेंट था साइबर हब में, DLF साइबर हब में, जो कि कॉमिक कॉन का एक इवेंट था, छोटा सा पॉपअप इवेंट करके। तो या वहाँ पे काफ़ी बात बात करी, चिल्लाया विलाया, इंजॉय किया, तो आवाज़ थोड़ा सा मतलब बैठ बैठ गया है। कोई नहीं, मेन मुद्दे पे आते हैं। इस वीडियो में क्या होगा मैं बता देता हूँ पहले इन शॉर्ट। इस वीडियो में अब मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरी एक फुल एक फिल्म से निकालूं या पूरी एक फिल्म पूरी बड़ी सी वीडियो बनाऊं। एंड आई नो, पर्सनली नो, कि आप सबके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखो। तो मैं एक छोटी छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के आई वॉन्ट टू शेयर माई DLF साइबर हब कॉमिक कॉन पॉपअप इवेंट एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू गाइज बाय पोस्टिंग दीज शॉर्ट वीडियोस। तो अराउंड 2-3 मिनट की वीडियो होगी, तो हो सके तो देख लेना, अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू मी एंड माई आर्ट वर्क। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जो भी है कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो में छोटा सा यही है, इस वाली वीडियो में क्या है कि जो भी मैंने DLF साइबर हब में, जब मैंने अपना इस टाइम फर्स्ट टाइम एज एन एग्जीबिटर मैंने स्टॉल लगाया था विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, जिसमें बेसिकली एक निवी है, उसका भी एक आर्ट चैनल है इंस्टाग्राम पे, वॉट आर डूडल डू। इफ यू यू हैव टू एक्सप्लोर हर पेज, शी मेक अमेजिंग आर्ट एज वेल। एंड यही है, तो वो मेरे साथ एज अ सपोर्ट थी एंड काफ़ी अच्छा हम दोनों ने मिलके एक ये पूरा अपना स्टॉल मतलब मैनेज करा, कंपोज करा, एंड वी सेल सो मैनी ऑफ अवर आर्ट वर्क्स देयर इन द DLF साइबर हब। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ वेंडर, एज अ एग्जिबिटर, आर्ट एग्जिबिटर। तो काफ़ी चीज़ें थी यार, मतलब हमें पता था कि एक एग्जिबिटर कितना पेन एंड एफर्ट करता है व्हेन दे सेल, व्हेन दे इंगेज विद द ऑडियंस हु आर कमिंग देयर। बिकॉज अगर आप थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट करोगे ना, मतलब जैसे अब स्टॉल पे अगर आप खड़े नहीं हो और आप रेस्ट करने लग गए पीछे बैठ के, तो होता क्या है कि जो ऑडियंस आती है स्टॉल पे, वो देखते कि यार ये तो रेस्ट कर रहे हैं, तो वो चली जाती है, दे डोंट बाय और समथिंग, दे जस्ट वेंट ऑफ। अगर आप खड़े होते हो वहाँ पे स्टॉल पे खड़े हो, तभी ऑडियंस रुकती है, देखती है आपका स्टफ, उसके बाद ही वो सोचती है फिर बाय करने का, अगर उनको कोई पसंद आता है तुम्हारा आर्ट वर्क। तो यू हैव टू स्टैंड ऑल द टाइम, यू कांट रेस्ट देयर। तो इट्स अ स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल, एंड आई एम डैम श्योर दैट ऑल दी वेंडर्स एग्री विद दिस पॉइंट। तो या इट वॉज टफ जॉब। एंड तो यही है कि इस वीडियो के मतलब इस वीडियो में यही है कि मैंने जितने भी वेंडर्स थे, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, जितने भी वेंडर्स थे वहाँ पे कॉमिक कॉन में हमारे साथ अलॉन्ग विद अस, तो उनको मैंने अपने आर्ट वर्क के पोस्टर्स गिव अवे किए थे फ्री। या तो यू हर्ड इट राइट, आई गिव अवे माई पोस्टर्स देयर फ्री या टू द वेंडर्स। तो इस वीडियो में मैं कुछ फोटो शेयर करूँगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड बाकी एक चीज़ मैं और बोलूँगा, एक याजा लाइफ स्टाइल करके है एक इंस्टाग्राम पे हैंडल, यू कैन चेक आउट देम एंड देयर टी प्रोडक्ट्स। तो उसमें क्या क्या है कि एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बिकॉज दे आर माई नेबर्स इन दैट इवेंट। लाइक मेरा स्टॉल ये है तो उनका साइड वाला स्टॉल था, एंड काफ़ी बार क्या होता था, जैसे अगर ठंड लग जा रही थी तो मेरे को मतलब खांसी होने लग गई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा सा लाइक मुझे जुकाम वगैरह था थोड़े टाइम पहले। तो अब वहाँ पे ना जैसे ही थोड़ी बहुत मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि यार प्यास व्यास लग रही है, तो आई आस्क देम टू फॉर द टी, एंड दे लाइक या उन्होंने मुझे टी दी, दो तीन फ्लेवर्स वगैरह चख पाए थे मुझे, तो काफ़ी अच्छे थे, दे वर डैम गुड। या यू कैन ट्राई देम, एंड सबकी कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है कि कोई इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोई एक अलग ही चीज़ को मतलब एक गला साफ कर देता है, ठीक कर देता है। एंड अलग अलग फ्लेवर्स के थे, लाइक गिलोय एंड हर्ब्स वगैरह से बनाई हुई एक टी की वेराइटीज़ थी। यू कैन चेक आउट देयर इंस्टाग्राम याजा लाइफ स्टाइल। तो काफ़ी अच्छे थे, दे वर सो काइंड, दे वर सो हम्बल एंड दे वर सो फ्रेंडली इवन, क्योंकि हम जब अपना स्टॉल सेटअप करते हैं
तो मुझे काफी बार डबल साइड टेप की जरूरत पड़ रही थी सीजर एंड ऑल, तो वी वर लाइक सपोर्टिंग ईच अदर, सो इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस दैट या कि हमने इवेंट किया ऐसे, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर मी एज एन एग्जिबिटर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यही है इस वीडियो में, और बाकी यही है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो फोटोज़ दिखा देता हूँ कि जो भी मैंने गिव अवे किए वेंडर्स को, उनकी फोटोज़। सो या हैव अ लुक।